पासवान गाय वीडियो डलवाना होगा तो आ जाइएगा है ना भाई कैसे एकदम चुपचाप रहे तो मेरे को उन लोग हंस रहे हैं देख रहे वीडियो बना रहा हूँ लड़की उनको मैं सिर्फ एक ही बार बोला अमित भैया ये किसी को ब्लड देना था ऐसे करके तो वो एक बार में ही मेरा बात मान लिए मतलब मनाने की है ठीक है तो उनको अमित भैया को थैंक यू सो मच अमित भैया कहीं मेरे प्रति उन लोग में प्यार है ऐसे करके तो मैं बैक टू यूट्यूब चैनल आप देख रहे हैं राजधुरे ब्लॉग्स मैं आपका राजधुरे स्वागत है न्यू ब्लॉग में आपका और आज आया हूँ जिला हॉस्पिटल में यहाँ पे एक मेरा दोस्त का मम्मी का मतलब वो हो गया है जैसे कि प्राइवेट पार्ट में उनका ब्लड चलते रहता है तो उनको ब्लड का जरूरत है तो आप आए हैं हम लोग यहाँ पे एक भैया को लेकर के आया हूँ मैं साथ में तो वो ब्लड देने के लिए बोले हैं तो जा रहे हैं और बहुत परेशान है मेरा मतलब जो दोस्त है वो 2-3 बार ब्लड दे चुका है मतलब अपने मम्मी को बहुत कमज़ोर हो गया है तो मेरे को बोला कि भाई कोई अगर देंगे तो मतलब कि से बात कर ऐसे करके तो फिर मैं मेरे साथ जो काम करते हैं एक बड़े भैया तो उनको बोल के देखा तो वो दान करते हैं तो आज वो भी आए हैं उसको लेकर के आए हूँ हॉस्पिटल में उन लोग गए हैं लेब में तो चलते हैं और ये मेरा देव भाई है बाटे सुंदर के कौन दुकान काम करते हैं पासवान गाय वीडियो डलवाना होगा तो आ जाइएगा है ना भाई ब्लड बैंक में हम लगाए हुए हैं यहाँ पे और जंगरान भाई हैं और ये संजय भाई तो साथ में लगाए हैं आज मतलब कि ये लोग बहुत दिनों से मतलब यहाँ आए हुए हैं इनका मम्मी की तबीयत खराब है इनका मम्मी तबीयत खराब है इनका मम्मी का तो आज जब इनको ब्लड चाहिए था इनकी मम्मी को संजय का मेरा जो ही क्लास फ्रेंड है और ये बहुत दिनों से परेशान है और हम आए हुए हैं देख सकते हैं जिला हॉस्पिटल में तो ये बहुत बार ब्लड दे चुके हैं अपनी मम्मी को तो बोले कि ब्लड चाहिए था ऐसे करके तो हम लोग आए हुए बाहर चलेंगे ब्लड तो मतलब वो चार्जेबल लेते हैं और मतलब तो हम लोग यहाँ मतलब सरकारी हॉस्पिटल में ही आए हैं हम लोग तो भैया को एक लाया हूँ मैं ब्लड डोनेट करने के लिए और देखते हैं ब्लड बैंक है यहाँ पे अंदर होता है तो यहाँ बैठे हैं और संजय भाई देख सकते हैं ये जो भैया को लाए थे ब्लड देने के लिए चले गए हैं और डीएम सिंह कैसे एकदम चुपचाप है तो मेरे को उन लोग हंस रहे हैं देख रहे हैं वीडियो बना रहा हूँ तो लड़की संजय की मम्मी है तबीयत खराब है तो जा रही है मतलब ब्लड देने के लिए वहाँ सैंपल दे दिए हैं ये मम्मी है तो बहुत दिन से बढ़िया खा लिया कस्क ने नहीं आज बढ़िया बे करिया बता देख करके आप समझ गए होंगे कि ये वीडियो बनाया था इंड नहीं कर पाया होगा तो हाँ जी आप सही सुने मैं वीडियो के यहाँ पर इंड करने के लिए मैं ओके हम ब्लॉग वीडियो बनाया था उधर तो इंड नहीं कर पाया था आप लोग का ठीक है मॉर्निंग उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे होंगे मैं कल वीडियो जो शूट किया था उसको मैं इंड नहीं कर पाया तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जो मेरा संजय फ्रेंड से क्लास फ्रेंड है और एक और फ्रेंड है तो उन लोग आए हुए हैं अपने मम्मी को लेकर के हॉस्पिटल में जिला अस्पताल में जो कि उन लोग को ब्लड का ज़रूरत था तो एक मेरा संजय फ्रेंड से उनकी मम्मी का बहुत ज़्यादा मतलब तबीयत खराब था मतलब जैसे कि प्राइवेट पार्ट उनका हमेशा मतलब ब्लड चलता था तो उनको हर 6 महीना में मतलब ब्लड मतलब चढ़वाते थे तो संजय भाई भी बहुत मतलब 2-3 बार ब्लड दे चुके थे तो अभी मैं बोला कि उनको ऑपरेशन करा दीजिए ऐसे करके तो उनको 2-3 बॉटल का मतलब ब्लड चाहिए था तो वो एक ब्लड और दे दिए और एक कोई और आए थे तो उनसे मतलब डोनेट करने वाले तो उनसे लिए
और एक बॉटल मेरे को बोले कि राज भैया कहीं से आप मतलब किसी को बोल दीजिए ना ऐसे करके कि कोई दे देंगे। तो मैं बोला ठीक है किसी को बोल कर देखता हूँ। तो मैं मेरे साथ एक बड़े भैया को बोला मैं, जो कि मेरे साथ ही मतलब एक स्टोर में हम लोग साथ में ही काम करते हैं, अमित भैया को। तो उनको मैं बोला, तो उनको मैं सिर्फ एक ही बार बोला, अमित भैया ये किसी को ब्लड देना था ऐसे करके। तो वो एक बार में ही मेरा बात मान लिए, मतलब मना नहीं किए, ठीक है। तो उनको अमित भैया को थैंक यू सो मच, अमित भैया आपने मेरा मतलब बातों का लाज रख लिया, मतलब एक बार मैं बोला तो मतलब एक बार में ही वो मान गए। तो बहुत अच्छा लगा मेरे को, कहीं ऐसा लगता है मतलब कहीं ना कहीं मेरे को ही मतलब उन लोग सपोर्ट करते हैं और कहीं ना कहीं मेरे प्रति उन लोग में प्यार है ऐसे करके। उनके बात नहीं बता रहा हूँ, सभी लोग स्टाफ, हाँ जितना भी स्टाफ है उन वो सभी लोग मतलब जो भी बोलूँ मैं मतलब पैसा रुपये के बारे में, चाहे कोई भी मतलब हेल्प मांगता हूँ तो सभी लोग सपोर्ट करते हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, बहुत बहुत प्राउड फील होता है, अच्छा लगता है इस करके। तो अमित भैया को फाइनल मतलब बहुत बहुत मैं थैंक यू सो मच बोलूँगा कि वो मतलब किसी का माँ ही होती है, तो वो सही समझ करके ब्लड दिए। तो थैंक यू सो मच अमित भैया। या को जब जब मैं बोला कि ब्लड चाहिए थे ऐसे करके तो वो मना नहीं किए। और एक दिन फर्स्ट दिन गया तो उस दिन मतलब ब्लड जो स्टॉक में नहीं था, जैसे कि उन जो संजय का जो मम्मी है उनका ए बी प्लस पॉजिटिव है और ये जो अमित भैया हैं उनका ओ पॉजिटिव है। तो क्या हुआ कि वहाँ गया हम लोग मतलब, तो वहाँ पे नहीं था स्टॉक में, बोले कि ए बी प्लस पॉजिटिव का मतलब ब्लड यहाँ नहीं है। तो उन लोग मैं बोला कि इसका ले लीजिए ऐसे करके, जब भी आएगा ब्लड तो उसको दे दीजिएगा एक्सचेंज में। तो बोले नहीं मतलब वहाँ होना भी ज़रूरी है ऐसे करके। तो फिर दूसरे दिन था तो वहीं जाके दिए। बाहर क्या होता है कि बाहर लेंगे तो मतलब पैसा रुपया एक्सचेंज में भी लगता है और वहाँ सरकारी में क्या है कि नहीं लगता है, तो हम लोग वहीं से लिए। तो आप लोग भी जब भी मतलब ब्लड का किसी को ज़रूरत पड़ेगा तो फिर वहाँ से बाहर से एक्सचेंज करेंगे तो पैसा लगता है, ये बात ध्यान दें। अगर पैसा है तो करा सकते हैं या फिर वहीं से लेंगे तो अच्छा रहेगा। तो ठीक है फ्रेंड, मैं वीडियो बनाने का मेरा यही रीज़न था कि उनको थैंक यू सो मच मतलब ब्लड दिए उनके लिए, और मैं वीडियो के एंड में ही किया था। तो फिर मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। मैं भी उतना मतलब रोज़ वीडियो नहीं बना पाता हूँ, तो फिर मैं चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा सबसे पहले आप देख पाएंगे, ठीक है। बाकी आएगा जल्दी जल्दी वीडियो आएगा, जब भी आएगा अच्छा वीडियो आएगा, ठीक है। तो मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ तो उतना वीडियो बना नहीं पाता हूँ, आप देख सकते हैं मैं भी कहाँ पेंट कर रहा हूँ, थोड़ा सा शोर सवारा चलता है तो मैं वीडियो में रहता हूँ थोड़ा टेंशन में, कभी इसलिए वीडियो नहीं बना पाता हूँ। बाकी मैं सप्ताह में का 2-3 देते रहूँगा वीडियो। तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरा भी सपोर्ट कीजिए। मेरा ए प्लस भी पॉजिटिव है लेकिन मैं देख रहे हैं कितना कमज़ोर हूँ इसलिए दे नहीं सकता यार। तो ठीक है फ्रेंड, वीडियो के वक्त एंड तक एंड करते हैं, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए फिर जय हिंद, जय भारत, जय हमर छत्तीसगढ़, बाय बाय। आप भी खुश रहिए, खुशियाँ बांटते रहिए और लोगों को मतलब मदद करती रहे, आपका मदद जरूर मिलेगा, ठीक है। थैंक यू।